नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में मैं आपको आज उनसे मिलाने वाला हूं जिनके शौक के चर्चे उस जमाने में भी थे और आज भी हैं। ये हैं लेट मिस्टर रेहान अहमद खां साहब, जो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, पर मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद नगर व मलियाबाद की सड़कें हमेशा इनके लिए शोक मनाएंगी। वह जब भी किसी शौक के चर्चे सातवें आसमान पे होंगे तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये घोड़ों का शौक बढ़ते गया और अब बारी थी इन तीन भाइयों की। ये है गौस खां, दूसरे नंबर पे हैं मिस्टर हमजा खां व तीसरे नंबर पे हैं मिस्टर बिलाल खां। तीनों लोगों के शौक आपस में मिलते जुलते हैं। इन्हीं बातों को इस वीडियो में आप देखेंगे और इनके शौक को जानेंगे कि कैसे घोड़ों को रखें। आगे की वीडियो को आप पूरा लास्ट तक का देखिएगा। और ये हैं मिस्टर फरीद अहमद खां, जिनका सहयोग हमेशा इन लोगों के साथ बना रहा और इन्हें भी घोड़ों का काफ़ी शौक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन सिर्फ आपसे इतना है कि इस वीडियो को लास्ट तक का आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को काफ़ी लंबा शूट किया है और काफ़ी मेहनत की गई है इस वीडियो में आपके लिए, कि आप कुछ सीख और समझ सकें, कुछ जान सकें, कुछ चीज़ों को करीब से देख सकें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस हरियाली भरे वातावरण में राइडिंग करना कितना अच्छा होगा। जब आप उस जगह पर रहते तभी इस चीज़ का आप अनुभव कर सकते थे, पर फिर भी मैंने प्रयास किया है कि वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को आप देखें और समझें। और काफ़ी लंबी आगे बातचीत है, उसी बीच में राइडिंग है, जो आपको काफ़ी मेरी सारी वीडियो में ये वीडियो अलग दिखेगी। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को देख के मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ दोनों भाइयों से बातचीत है, आगे और वीडियो आने वाली है, उन वीडियो को भी आप प्यार दीजिएगा। पिछली वीडियो में आपके जितने सारे कमेंट हैं मैं उनके जवाब भी आगे दूंगा। दोनों भाइयों से बातचीत है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लोग ग्राउंड की तरफ पहुंच चुके हैं। इनकी भी बातें आपको हम सुनाएंगे इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में। बिलाल भाई का शेड्यूल थोड़ा बिजी था जो हमें समय नहीं दे पाए, पर उम्मीद है जब भी आगे उनसे बात होगी तो अपना कीमती समय हमें जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन हॉर्सेस चैनल पे। सर, आप अपना नाम और एड्रेस बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद गौस का हमारा नाम है जी, और मोहम्मद नगर स्टेट मलियाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। काफी घोड़ों का सर आपको शौक है जी, तो ये शौक आपका कब से चला आ रहा है? घोड़ों का शौक तो हमारे बाबा परदादा टाइम से है, लेकिन हम लोग पहले मारवाड़ घोड़े ज़्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि बागों आगों में टहलना, जब कभी मज़े का मज़ा लेना हुआ, राइडिंग करना हुआ, और थॉरो ब्रिड भी घोड़े रखे, तो यूं ही शौक था बैठने का। खुद सब भाई और घर वाले सब बैठते थे तब, हंसी मजाक के लिए थोड़ा, जैसे अपना बाग चारों तरफ जैसे अपने क्षेत्र घूम लिया। हाँ, बाग क्षेत्र क्या घूम लिया, बागी में घूमने में पूरे पूरे दिन लग जाते जी। तो फिर आखिर ये शौक आपका कैसे मरवाड़ी या जो पंजाब की ब्रीड थी, इससे सिंधी नस्ल पे आपका ये शौक कैसे आ गया, बदला कैसे? जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे घोड़े आते गए जिन जिन, तो वैसे वैसे हमारा भी शौक बदलता गया। मारवाड़ी फिर हमने हटाना शुरू किए और सिंधी लाना शुरू किए। तो आज फिलहाल में अभी आपके पास तो काफी सारे पीछे समय से घोड़े थे, कुछ घोड़ों को अभी आपने कम किया है, और आज हमारे पास करीबन 14 घोड़े हो गए थे मारवाड़ और सब मिला मुलू के, तो सब हटा के अब हमने सिंधी का, क्योंकि मारवाड़ में हम लोग मलाई वलाई की जरूरत नहीं करते थे, और आजकल आपको मालूम है कि आदमी दिक्कत थोड़ी रहती है, काफी कमी हो गई है। एक एक दो दो घंटा एक एक आदमी को देना पड़ता है एक घोड़े के ऊपर, तो जब तक एक घोड़े पर दो तीन आदमी ना रहे तो फिर मजा नहीं आता मलाई और करने में, तो इसलिए घोड़े की संख्या थोड़ी कम करे हैं और सब अच्छे घोड़े हैं इस टाइम। तो मतलब अब शौक सिंधी नस्लों पे ही है? हाँ भाई साहब। तो चालबाजी आपको पसंद आ रही है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और मारवाड़ी में तो गैलप की नहीं, गैलप भी और कम चाल में चौताला भी चलते हैं, ऐसा नहीं है मारवाड़, बाज मारवाड़ अच्छी खासी रेस के लायक हो जाते हैं। काफी पुराने समय में पहले मारवाड़ी घोड़ों को यहाँ लाया भी जाता था। हाँ, मारवाड़ हम पुष्कर से खूब लाते थे जी। पुष्कर का मेला लगता है आपके अजमेर शरीफ के बगल में, 18 किलोमीटर दूर है अजमेर शरीफ से, बहुत बढ़िया मेला लगता है। मारवाड़ घोड़े वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर किसी को मारवाड़ चाहिए हो तो वहाँ से लाए। तो लगता है कि आपने भारत में बहुत सारे मेले घूम चुके हैं जो घोड़ों के लगते हैं। हाँ, अभी तक तो कोई खैर मेला बचा नहीं है। अच्छा, जैसे फिलहाल आपको बहुत चर्चित मेले कौन कौन से लगते हैं जो अश्वों के मेले लगते हैं पूरे भारत में हमारे? बल्होत्रा और पुष्कर अच्छा लगा। बल्होत्रा पुष्कर अच्छा लगा। तो बल्होत्रा में कौन सी चीजें हैं जो आपको लुभाती हैं?
वहाँ चालबाज घोड़े, अब चालबाज घोड़ों का शौक हो गया है तो वहाँ चालबाज घोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो बलूतरा अच्छा लगता है। वैसे क्या एक अनुमानित कीमत रहनी चाहिए इस सिंधी नस्ल के जो घोड़े हैं? देखिए इसकी कोई कीमत नहीं जी, जैसे 4,000 से लेके 2 करोड़ तक की भी, जैसे कि अब भाई हम लोग देखते ही हैं। जी जी बिल्कुल, सलमान खान ने किसी घोड़े के 2 करोड़ रुपए लगाए जबकि फैजाबाद में भी आया था वो। जी बिल्कुल, आपके पास सबसे महंगा एक हम घोड़ा देख रहे हैं जो सिंधी नस्ल का आपने अभी खरीदा है, चाल भी उसकी काफी खूबसूरत है जो आगे आने वाली वीडियो में दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो घोड़ा हमारे एक दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उस्मान गनी भाई इलाहाबाद के, बेचारे बहुत मानते हैं हमको, घोड़ा हमको उन्होंने दिया। बाकी एक इरफान है हमारा छोटा भाई इलाहाबाद से, इलाहाबाद कुंडा से, जी जी व्यापारी है, व्यापार का काम करता है। इरफान ने हमको चंबा घोड़ा दिया, बाकी इससे पहले भी सिंधी घोड़े बहुत रखे, कुछ फेल हुए कुछ पास हुए, तो जो एकदम क्रीम है इस टाइम पर, क्रीम पर हम पहुंच गए हैं। सिंधी घोड़े बहुत रखे हमने। हाँ थोड़ा सा जब आप मरवाड़ी से ब्रीड जब सिंधी आपने की तो कुछ परेशानियां जरूर आई होंगी चालों को समझने में, बहुत पैसा भी बर्बाद हुआ और बहुत अनुभव भी मिला। और बाकी हमारे दोस्त जितने भी हैं सब लोग इस लाइन में अच्छे हैं, बड़ा साथ देते हैं, तो इसलिए सीख जल्दी गए। तो वैसे बताइए अगर कोई एक नया आदमी सिंधी नस्ल के घोड़े को खरीदने के लिए कहीं सफर करे तो किन बातों का जैसे ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या देख के घोड़ों को खरीदे? पहले तो घोड़े की हाथ पैर देखना चाहिए जी, उम्र देखना चाहिए और चलावे का ढंग देखना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। बाकी अपने अच्छे दोस्त यार सभी को मिलते हैं आजकल दुनिया में, अच्छे दोस्तों से यारों से जो घोड़े पाले हैं उनसे राय जरूर लेना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हमारे चैनल पे कमेंट्स रहते हैं लोगों के, वो ये रहते हैं कि आखिर घोड़ों को खिलाया क्या जाए, कैसे उनकी एक प्रॉपर डाइट मेंटेन की जाए, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जिससे उनको कुछ मदद मिल सके आपके थ्रू? आपके यहाँ पुराने बहुत पुराने समय से घोड़े रहते आ रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में अगर आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। ये हमारे हिसाब से कि घोड़ा जो है वो शाकाहारी जानवर है जी, तो शाकाहारी चीजें जो भी इंसान खाता है उसका 5 गुना ज्यादा घोड़े को देना चाहिए। जो भी इंसान खाता है शाकाहारी चीजें, मौसम को देखते हुए, मतलब मौसम के अनुसार इनकी डाइट में परिवर्तित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप जैसे खीरा गाजर मूरी खिला रहे हैं जाड़ों में तो नुकसान करेगा, फॉर एन एग्जाम्पल। बाकी जो भी इंसान खाता है उसकी 4 गुना ज्यादा घोड़े को शाकाहारी चीजें देना चाहिए जो भी हम लोग। मैंने काफी जैसे सुना भी है कि घोड़ों की डाइट में अगर परिवर्तन होते रहता है तो काफी घोड़े अपने राशन को चाव से खाते हैं। अब आपको हम 24 घंटे आलू की सब्जी दें साल भर जी, तो आप भी जो है एक बार उग जाएंगे, क्या खिला रहे हैं आप हम? बिल्कुल, और बदल बदल के देंगे तो आपको खाने में भी मजा आएगा और हमको खिलाने में भी मजा आएगा। वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है घोड़ों की 2 चाल सिंधी नस्ल में पाई जाती है, एक चौताला और एक सिंधी जिसे पेसर और सिंगल फुटर के नाम से हम सभी जानते हैं, तो आपको इन दोनों चालों में अच्छी सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी चाल लगती है? हमको जिस चाल में बैठने में मजा है वो अच्छी लगती है, जैसे चौताला ना हिलता है बदन और आराम से बढ़िया रवाल चाल हमें अच्छी लगती है, लेकिन स्पीड में सिंधी घोड़े होते हैं इस वजह से सिंधी भी चाल वाले घोड़े भी रखे हैं हम और रवाल चाल वाले भी रखे हैं। जैसे अभी आपके साथ हमजा भाई हैं, हाँ। हमने इनकी राइडिंग के चर्चे भी सुने हैं कि गैलोप रेसिंग में काफी अच्छी राइडिंग करते हैं, लखनऊ के स्टार्ट फार्मों में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, हाँ। और तीनों भाइयों को हमने जैसे देखा है तो आप सभी लोग राइडिंग के शौकीन हैं, और पहले तो मरवाड़ी घोड़ों पे चढ़ के ऐसे घूमना था, लेकिन धीरे धीरे हमने आपकी जो कल परफॉर्मेंस देखी उससे हमें लगा कि आपको राइडिंग सीखने के प्रति जुनून है, एक जज्बा है और आप सीखना चाहते हैं और काफी हद तक आप सीख डाले हैं। देखिए तो, सीखने और सिखाने की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे बाबा कहते थे कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, छोड़ दो भाई। तो वैसे ही हमारे पुराने पुरखों से घोड़े पाले जा रहे हैं, तो जाहिर है कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है, तो घोड़े हो गए और सब शौक वाली चीजें हो गई तो वो तो खून में है। तो मतलब राइडिंग का शौक है? बिल्कुल, आप चालबाज घोड़ों पर भी बैठना पसंद करते हैं?
बिल्कुल चालबाज घोड़ों पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जब दंगल करीब हो तो नहीं बैठना चाहिए, सवारी को बैठना चाहिए। बिल्कुल, काफी डिफरेंस आ जाता है। वैसे राइडरों की एक भूमिका और जो ओनर घोड़े रखते हैं उनमें आप कितना फर्क महसूस करते हैं, कि जैसे मान लीजिए एक राइडर आपके घोड़े को ट्रेंड कर रहा है, तो क्या वैसी ट्रेनिंग एक ओनर अपने घोड़े को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, राइडर भी इंसान होते हैं जी, उनके कोई चार हाथ तो होते नहीं है। तो जैसा मेरा सवाल के पूछने का मकसद, हमारे जैसे इलाहाबाद में उस्मान गनी भाई हैं, खुद घोड़े पालते हैं, बढ़िया राइडर हैं, चाल बनाना भी जानते हैं और घोड़े को दौड़ाना भी जानते हैं, बढ़िया, मतलब अच्छी तरह से राइडिंग के हर एक्सपर्ट हर मामलों में, खुद कोई उसमें वो नहीं है, खुद बना लेता है जानवर। तो सवाल पूछने का मेरा मकसद सिर्फ इस बात पे ये लाना था कि आपके अनुसार जैसे क्या ओनरों को भी राइडिंग सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे जिनको नहीं आती है? बिल्कुल सीखना चाहिए। और आप जैसे अभी मैंने देखा भद्री रेस की आपके यहाँ तैयारी चल रही है जो प्रतापगढ़ कुंडा में होती है, तो ये रेस कब से चली आ रही है जो राजा भैया के द्वारा आयोजित कराई जाती है? और मैं कहूँ तो ये पूरे भारत में काफी एक मशहूर रेस है और काफी दूर दूर से लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करने आते हैं। ये तो 100 सालों से रेस चली आ रही, क्यों भाई? और हम लोग पहले देखने जाते थे, जब मारवाड़ घोड़े थे तब हमारे पास कोई संगीत थे नहीं, तो फिर धीरे धीरे देख के वहीं से शौक लगा। फिर 2 साल से हम बदरी रेस जा रहे हैं, पिछली बार गए थे घोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और अब की बार फिर देखिए जा रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि गौस खासा आपको भद्री रेस देख के ही चालबाज घोड़ों का शौक आया? हाँ, यही समझ लीजिए भद्री रेस क्यों देख के, बलोतरा भी मैं गया, भद्री गया, बाकी फैजाबाद में भी अच्छी रेस होती है, हमारे दोस्त हैं सब भाई हैं। तो वैसे आपके घोड़े की प्रिपरेशन कैसे चल रही है भद्री रेस को लेके? आपके राइडर गोलू हैं जो अभी बीमार चल रहे हैं, मैं यहाँ 2-3 दिन से हूँ और ये चीजें देख रहा हूँ, एग्जामिन कर रहा हूँ, टाइफाइड बुखार से अभी वो ग्रसित है, अब कुछ राहत है, तो कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही थी भद्री रेस को लेके? अब सवार हमारा बेचारा बीमार है तो उसमें हम क्या बता सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन ठीक चल रही है और वो बैठने को कहता है, लेकिन अभी टाइफाइड है तो डॉक्टर ने भी और हम भी बैठो को अच्छा, तो जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी घोड़ा चलेगा। तो आप भद्री रेस में कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बस पिछले साल गए थे और अब की बार जाएंगे, मतलब आपके ये दूसरा साल है जी। आपके शहर लखनऊ में, नवाबों के शहर से लोग इसे जानते हैं, तो यहाँ कौन कौन सी रेस, क्या यहाँ रेस होती है जो ऐसे चालबाज घोड़ों की रेस आयोजित हो रही है पूरे यूपी बिहार में, या मैं पूरे अब भारत में कहूँ तो सिंधी नस्ल को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है? यहाँ खाली 2 रेसें होती हैं, एक आपके चांदन में होती है और एक अभी यहीं एक रेस हुई थी रहमाबाद में, वहाँ होती है। अच्छा, सबसे रेस जो यूपी बिहार में ऑर्गेनाइज कराई जाती है, काफी सारे रेसें आपने देखी भी होंगी, तो आपको सबसे अच्छी रेस लगती कहाँ की है? ये फैजाबाद की अच्छी है जो सरफराज भाई के द्वारा आयोजित कराई जाती है 30 अप्रैल को जी। रेस भद्री अच्छी है, बाकी रेसे तो सभी अच्छी हैं, अब जहाँ सही निर्णय हो वो रेस अच्छी, काफी सारे वो किसी की भी हो। काफी सारी जगह हमने देखा है निर्णय में काफी गलत, और जहाँ पर वहाँ क्राउड आ जाता है, भीड़ आ जाती है, पूरे रेस का माहौल खराब हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है, तो वो रेस नहीं अच्छी है चाहे कोई भी कराता हो। अभी बाकी रेसे तो सभी अच्छी है, जहाँ ठीक ठाक निर्णय हो जाए, बेईमानी ना हो, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, हक तल्फी ना हो, वो रेस। खेल का असली मतलब निर्णय से ही निकलता है, वहाँ असली निर्णय अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल निकलता है, जो काफी सारी रेसों में लोग करा नहीं पा रहे हैं। अभी सही कह रहे हैं, अभी नवंबर में ददरी मेला लगने वाला है डिस्ट्रिक्ट बलिया में, जो लास्ट आप कह सकते हैं यूपी का बॉर्डर है। आप क्या पहले कभी वहाँ घूमने गए, उस मेले को देखने गए हैं? नहीं। क्या आप वहाँ इस साल जाना चाहेंगे? हाँ, हमारा राइडर कह रहा है कि जाएंगे, तो वो कह रहा है तो जाएगा। घोड़े भी घूमने जाएंगे आपके वहाँ? घोड़े भी जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर हो सकता है तो चौताला घोड़ा आपके पास है, अगर वो सेट हो जाता है तो रेसों में भी वहाँ के उतर सकता है, लड़ेगा, राइडर आपके गोलू रहेंगे। आपके शहर की सबसे फेमस चीज क्या होनी चाहिए, क्या है पुराने समय से? नवाबों का शहर है, नवाबों के शौक बहुत अलग अलग होते थे, तो सारी चीजों को मिला के आप एक चीज बताइए जो आपके शहर की सबसे फेमस चीज हो। देखिए, नवाबी जमींदारी
ये सब गए हुए रजवाड़े गए हुए कई साल हो गए, तब उनकी तो बात नहीं कही। फिलहाल हमारे वहाँ के टुंडे के कबाब पराठे बहुत अच्छे जी। और आपसे एक सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार की रेसों को आप देखते आ रहे हैं पूरे यूपी बिहार में, और चालबाज घोड़ों को देख के ही आपको शौक जगा कि चलो अब चालबाज घोड़े रखते हैं, जो हम समझ रहे हैं कि 3 या 4 सालों से आप लगातार ट्राई करते करते और काफी अच्छी पोजीशन पे कम समय में आ गए हैं, और भगवान ने चाहा तो आपके घोड़े परफॉर्मेंस भी फील्ड में इस बार अच्छी देंगे, तो इन सब मिला के अगर आप भविष्य में कोई रेस कराना चाहें तो वो आप रेस किस प्रकार की कराएंगे और उन रेसों से क्या चीज अलग रहेगी आपके रेस में? देखिए, हमारे वहाँ जो रेस हम कराना चाह रहे हैं वो थोड़ा अपने दोस्त यारों से राय लेकर, रेस तो करानी है, बात है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में रेस रखी जाए इसी साल, और अगर हमारी कुछ वहाँ घर में तबीयत गड़बड़ है, अगर हमारे वहाँ स्वास्थ्य ठीक रहता है तो रेस ज़रूर होगी और बिल्कुल होगी, और रेस बहुत ईमानदारी से होगी। ईमानदारी से रेस होनी ही चाहिए हर जगह की। जो लोग आएंगे रेस में उनका सब पूरी तौर से ख्याल रखा जाएगा, उनकी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची जाएगी, और मैं तो ये चाहूंगा कोई भी निराश होकर यहाँ से न जाए। अभी हम समझ रहे हैं कि आपके पास राइडर गोलू कब से है? राइडर तो बहुत आए बहुत गए, 4 साल के घोड़ेबाजी के चाल वाले सफर में हमने बहुत से राइडर देखे, कोई 1 महीने तक घोड़े का दिल जीतता रहता और कोई जो है घोड़े ही बन रहे हैं। बहरहाल राइडर अब हमें अच्छा मिला है, मतलब राइडर गोलू को देख के आपको लगता है कि राइडिंग अब ऐसे होनी चाहिए? बिल्कुल लगता है, जज्बा है उनके में? बिल्कुल है, और जिसके अंदर जज्बा है वही राइडर है, वरना राइडर ही सब छोड़ दे। आपके साथ बैठे हैं भाई, अपना परिचय दीजिए। ये हमारे कल्लू भाई हैं, बोलिए भाई। हम कल्लू कुरैशी महमूदाबाद से हैं। आपको भी आपको भी घोड़ों का शौक है, कब से घोड़ों का शौक रहा है आपको? ये हमें करीब 50-50 साल से है, हमारी सब जो दादा बाबा थे उनसे शौक है। वैसे गौस भाई से आपका परिचय कब से है, और काफी घनिष्ठता हमें देखने के लिए मिल रही है आप लोगों के बीच में, और ऐसा तो शहर में कोई शायद ही आदमी होगा जो गौस भाई को न जानता हो। हमारी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले देवे के मेले में, वहीं से मुलाकात का सिलसिला जारी रहता रहा, फिर दोस्ती यारी मोहब्बत हो गई, भाई भाई हो गए। तो गौस भाई आप एक चीज ये बताइए कि अभी आपके शहर के बगल में ये देवा मेला लगने वाला है, ये कहाँ लगता है और किस टाइप का ये मेला है और कब से शुरू होने वाला है? ये मेला बहुत बड़ा लगता है, और जो वहाँ शख्सियत आराम फरमा रहे हैं वारिस पाक बाबा जी, उनका मेला है, उनका उर्स के में भी मेला लगता है, उसमें घोड़े भी होते हैं, काफ़ी बड़ा मेला लगता है। यूपी में मैं कहूँगा कि पहले नंबर पर देवा शरीफ का मेला होगा जी, और ये आपका देवा शरीफ में लगता है, ये बाराबंकी से भी रास्ता है, इधर कुर्सी से भी रास्ता है, लगभग लखनऊ से आपको देवा शरीफ अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा 30-32 किलोमीटर है ना। तो किस प्रकार के वहाँ पे जानवर आते हैं, हर नस्ल के जानवर आते हैं? मतलब मारवाड़ी देवा शरीफ का मेला ऐसा है कि जहाँ के ऊपर हर प्रकार के जानवर आते हैं, मतलब ये कोई नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ आपको यही ब्रीड मिलेगी? नहीं नहीं, वहाँ मारवाड़ भी आएगा, वहाँ आपका काठियावाड़ भी आएगा, सिंधी भी आएगा और पंजाब भी आएगा, वहाँ आपको हर नस्ल का हर चाल का जानवर मिल जाएगा। चलिए सर, प्रकार के जानवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक देने के लिए जी, शुक्रिया।